दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में अपने महानता को लेकर आपसी मतभेद हुई। जब दोनों इस लड़ाई में व्यस्त थे तब अचानक उन दोनों के बीच में एक चमकता हुआ लिंगम प्रकट हुए जो बादल को चीरता हुआ आकाश की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर दोनों ही एक प्रतियोगिता किया। ब्रह्मा आकाश की तरफ और विष्णु धरती की गहरे की तरफ बढ़ने लगा। ब्रह्मा को एक केतकी का फूल देखने को मिला। ब्रह्मा उस फूल को पकड़ लिया और बोला, वो लिंगम का सर का दिखा। इस झूठ को सुनते हुए महादेव गुस्से में आ गए, प्रकट हुए उन दोनों के बीच में और ब्रह्मादेव को शाप देता है, इस धरती का कोई भी लोग उनका पूजा नहीं करेगा। जेहेतु महादेव पहली बार लिंगा रूप धारण किया, सेहेतु इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है।